यूपी में निकाय चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार गहमा गहमी दिख रही है। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अर्चना वर्मा बीजेपी में चली गई। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें शाहजहांपुर से ही मेयर पद के लिए टिकट दे दिया। अब अखिलेश यादव का गुस्सा भड़का। अखिलेश यादव यानी सपा प्रमुख ने एक बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में अपना गुस्सा जाहिर किया। अखिलेश यादव ने लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर अपमान की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। आपको बता दें, अर्चना वर्मा ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जेपीएस राठौर की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इसके चंद घंटे के बाद ही बीजेपी ने उन्हें शाहजहांपुर से मेयर पद का प्रत्याशी बना दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के हस्ताक्षर से जारी सूची में अर्चना वर्मा का नाम भी शामिल है। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर से अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन वो पार्टी की नीतियों से दुखी थी। खास तौर पर सपा शासन के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचार से उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें, अर्चना के ससुर राम मूर्ति वर्मा चार बार के विधायक रहे हैं। वो शाहजहांपुर 1996 के एक बार सांसद भी रहे। आपको बता दें, दूसरे चरण के नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन है। इसमें कोई शक नहीं कि नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा में सेंधमारी कर दी, जिसका गुस्सा अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए निकाला। दरअसल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अर्चना वर्मा का कहना है कि समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ गुटबाजी चल रही थी, जिसके चलते वो बहुत परेशान थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो भाजपा में आकर सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यहां रहकर वो जनता की सेवा ठीक से कर पाएंगी। आपको बता दें, निकाय चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ भी सहारनपुर पहुंचे थे और वहां पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बता दें, सूबे में दो चरण में चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। इस बार 4,32,00,000 वोटर्स मतदान करेंगे। इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3,35,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।